तो हे गाइज वेलकम बैक टू आर अनादर वीडियो। और आज हमारे पास है भाई काले चने और साथ में है राइस, साथ में है इधर सैलेड और यशु के पास है काले चने का सैलेड। बोलब तो गाइज मेरी डाइट में पूरे हफ्ते में अब कुछ आया है खाने के लिए, आलू मेथी के बाद अब कुछ आया है, वरना तो नॉर्मली शेक्स एंड ऑल ये फ्रूट और ये सब चल रहा था। तो भाई बहुत दिनों के बाद कुछ सॉल्टेड खाने वाली हूँ इस टाइम में, दोपहर वाले मील में। तो गाइज बिना किसी देरी के जल्दी से खा लेते हैं क्योंकि मुझे 1 बजे तक खाना था और थोड़ा सा लेट हो गया है। तो मेरी डाइटिशियन भी देख लेते मेरी वाली वीडियो कि मैंने क्या खाया है यहाँ पे। तो ज़्यादा किस करना नहीं है, कुछ फैलाना फैलाना फटाफट खा लेना है बस। चलो गाइज फटाफट शुरू करते हैं और खा लेते हैं। चलो, और ये मिंट वाली चटनी भी है, हाँ, मैंने बनाई थी तो वो डुगुन है। मैंने चम्मच रखी नहीं आज, राक्षसों की तरह खाऊंगे, कोई नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना, इसलिए कह रही थी मैं। तो कोई बात नहीं गाइस, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, यहीं से देख लो, ऐसे देख सकते हो। बस लगाती नजर तभी नहीं दिखाती मैं वाले जाके तुम लोगों को। चलो मैं दिखाती, रुको। ओहो प्याज का है, ये रहा प्याज, ये गया प्याज इस पे, ये देखो मस्त हो रहा है। मेरा एक्चुअली सॉल्ट बहुत कम रहता है, मतलब पिंच, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन सैलेड बहुत मस्त है ये। छोले आज हम दोनों ने मिक्स बनाए हैं, मतलब आधे मैंने बनाया आधे यशु ने बनाया, ऐसा। मस्त बने, लेकिन जो बने एक नंबर। गाइस मेरी जो आलू मेथी वाली थी ना, उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि एक बार और आलू मेथी रिपीट है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि नहीं थी। सही में कोई नहीं, खाएंगे अपन। गाइड मैं आपको एक गुड न्यूज़ बता देती हूँ, लास्ट 15 डेज़ में मैंने 5 kg वेट रिड्यूस किया है। अभी ये जो मैं साइड डाइट्स ले रही हूँ इनसे, और उसी डाइट के साथ मैं आपके साथ मकबैन भी करती हूँ, मतलब आपको मकबैन भी दिखाती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। अब आ जाएंगे कुछ लोग कोई बात नहीं, उनके लिए तो बोला था कि आएँ। रीच तो वही देते हैं अपने को प्यार करने वाले तो देते ही हैं, लेकिन हेट वाले ज़्यादा देते हैं। आ जाओ मेरे बेटी, आ जाओ। लाइफ में हर चीज़ मिलना ज़रूरी है। सही बात है, प्यार भी, ट्रॉलिंग भी, नफरत भी। ज़्यादा बातें मत कर, फिर लोग बोलते हैं क्या कि ज़्यादा बातें मत क्या करो मकबैन में। किसने बोला है मकबैन चैनल है? ये कुछ भी चैनल है, ये कुछ भी नहीं है, बस हम यहाँ खा रहे हैं और आप हमको देख रहे हो। एंजॉय करो बस देख के। हो सकता है आप भी अपनी कोई मील लेके बैठे हो। सही बात है। अच्छा कमेंट करके बताना जब आप ये मकबैन देख रहे हो तो आप क्या क्या खा रहे हो इस टाइम। और कल बोलेगी, आज थोड़ी बोलेगी, खाते खाते थोड़ी बोलूँगी। हाँ, और कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम जो चीज़ खा रहे हैं आपका भी सेम मन हो गया और आपने तुरंत जाके बनाई है पहले और फिर यही वीडियो देख के खाई है। खुद ऐसा करती है इसलिए आप लोगों को पूछ रही हैं इसलिए मुझे पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ भी यही हाल है। कई बार मेरा मन करता है मैं पुराने मकबैन देख लेती हूँ अपने। मैंने थोड़ा धनिया के साथ साथ पुदीना भी डाला है इसमें काट के, मज़ा आ रहा है। और हाँ, लोग प्लेट के लिए बोल रहे थे भाई, करते हैं चेंज गाइस। आप लोग ही सजेस्ट कर दो कौन से कलर की प्लेट लें हम। खाने के लिए। और कहाँ से मिलेंगी? हाँ, मिल तो ऑनलाइन जाएंगी। नहीं ठीक है ना, उनको अच्छा पता हो, क्या पता राय लेना अच्छा होता है। क्या है? एक काम कर, तू ही बैठ जा यहाँ पे। एक काम कर, तू ही बैठ जा, तू ही बैठ जा। मैं तो कोने में चल जाती हूँ ना वहाँ पे। क्या है ये? क्या है ये? ऐसा है कि अगर तू ज्यादा बकवास करे तो तेरा मुंह सीधे मुंह पे पड़े। तो ये ऐसे भी जा सकते हैं। अब मैं क्या करूँ, मेरा ये वाला हाथ आता है, तेरा वो वाला हाथ आता है, तो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इस तरह बैठूंगी, आप उस तरह बैठना, समझो। सैलेड खाने की करवा बेटा, जब आप सैलेड खाते हो ना, जिनको ज़्यादा चबाने का आदत नहीं है उनको चबाना ही पड़ेगा, क्योंकि सैलेड निकल नहीं सकते। तो ये भी फ़ायदा है एक सलाद खाने का। कुछ भी बात करनी है तो चलो ये बात कर देती हूँ। मेरा मन है, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, तुमको क्या दिक्कत है? जरूरत खोर होती जा रही है आजकल, क्यों? लोगों का असर आ रहा है, क्या करूं? क्योंकि लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, तुम जल रही हो मुझसे। तुमको किसी ने नहीं बोला कि तू भैंस की तरह जुगाल रही है, इससे तुम्हें दुख हो रहा है? ओह माय गॉड। क्या टेस्टी लग रहे हैं, मस्त एकदम। एक नंबर बना। मैं चावल की बात कर रही हूँ। गाइस, कौन कौन मेरा दुख समझ सकता है, कमेंट बॉक्स में बताना। गाइस थोड़ा दियो क्या। एक दो तीन चार पाँच छः 6:30 हो गई है तो जाओ। गाइस ये दे, अरे अरे उसके साथ लगेंगे नहीं। डायमंड तो कहीं चला गया। डायमंड तो हाँ, हीरा हीरा। गाइस अभी रह गया एक, अकेला खा लेती हूँ उसको। ये देखो। मीठा मीठा था। साढ़े 6 चावल खाने का सुख तो मिला, चलो 7:30। पागल हो, एक बाद में तो खाया। तू रह गया था ना 6:30 में से ही। अच्छा 6:30 में से ही एक रहा था वो। अच्छा। जबरदस्ती बढ़ाई जा रही है, मेरे चावल कम था वो। ओह सो सैड। एक दिन खाएगा तुम्हारा भाई चावल इसी जगह इसी प्लेट पे, तुम देखना, तुम लोगों के सामने। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो यशवी का पायल बतरा को चावल से दूर कर दे, सिवाय मोटापे के। बस कुछ दिन की ये दूरी है, फिर हर मौसम मिलने का है। बस टू मच। वाइट राइस के लिए 1 मंथ और ब्राउन राइस के लिए 1 वीक एंड दैट्स इट। हाँ, एक महीने बाद तो वाइट राइस खाऊंगी मैं, थोड़े से खाऊंगी बट खाऊंगी। डोंट वरी गाइस। आज मैं अपने मील पूरी एंजॉय करके खा रही हूँ। दिख ही रहा है वो तो, बहुत आराम से, बहुत शिद्दत से। मज़ा ही आ गया भाई। सुनो ना, एक मेरे हाथ से और खा लो। क्यों? बस मेरे को, मेरे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। खिला दे। चावल मिक्स करने का भी एक इमोशन है ना। बस अब खिला। इतना बड़ा वाइट, जितना खुद खाती है उतना ही खिला रही है मुझे। खाऊंगा इनको, ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें ऑयल लेना बस। अच्छा था, मुझे आया, टेस्टी लगा मुझे तो। इतना बड़ा वाइट खिला दिया। चावल मेरा पहला प्यार है गाइस। जिससे आपको प्यार होता है ना, उससे सारी दुनिया आपको अलग करने की कोशिश करती है। बच्चों ने बहुत बीमार रहती थी, तो डॉक्टर ने सबसे पहले चावल बंद कर दिए। ठीक है, तो 10-12 साल की उम्र तक चावल नहीं खाने को मिले अच्छे से, जिसको बोलते हैं। उसके बाद बड़े होने के बाद भाई मेरे को टाइफाइड रहने लग गया। फिर मेरे को दाल पे डाल दिया, दाल के पानी पे, समझ रहे हो। फिर बाहर आके कुछ साल ज़िंदगी सही चली, 2-3 साल। फिर मेरे पथरी हो गई। डॉक्टर ने सबसे पहले बोला, मैडम चावल खाने छोड़ दो। मेरे को इतना दूर रखा गया ना मेरे प्यार से, मैं बता नहीं सकती। अभी मैं सुखी ज़िंदगी जी रही थी, भर भर के चावल, रात को चावल, दिन में चावल, चावल ही चावल, चावल की रोटी, चावल फलाना ढिगड़ाना चावल। लेकिन अब मोटापा आ गया, डाइटिशियन ने कहा चावल बंद कर दो। क्या करें बताओ, ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। क्या है आज कुछ ज्यादा ही हथियार रखे आपने। ये टेबल आज दंगल ना हो जाए यहाँ पे मकबैन में। मैं चावल खा रही हूँ तो मैं फैल के खाऊंगा। जल्दी खत्म कर अपने चावल। क्यों? चुराएगी मुझे। और ऐसे चावल तो छोले का कभी भी नहीं लगे, जैसे आज लग रहा है, क्योंकि मसाला बहुत देर तक पका ना। देख देख मेरे को देख। वाह, चावल और छोलों को मिक्स करने की जो बात है ना, मेरे भी चावल हो गए। अच्छे थे लास्ट बाइट। मेरा भी टेस्टी खाना है। नींबू नींबू चाटती हुई है मैं, फिर भी नींबू था ना। नाइस। भाई अपन को तो पूरा फुल टू मज़ा आ चुका है, पेट अपना भर चुका है एकदम मस्त तरीके से। मेरे को तो भरने दे, जानबूझ के कर रही है पता है ऐसे। इसको पता है मेरे चावल बहुत पसंद है और इसीलिए ये ऐसा कर रही है मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, चलता रहता है ये तो। एंड मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने आपको बता ही दिया मेन रीज़न अपनी खुशी का। और लोग अपनी मील ख़त्म करें फिर बताती हूँ। स्पीड अप करो थोड़ा तो यार, लोग बोलते हैं आप धीरे खाते हो। आज मैंने जानबूझ के धीरे खाया। और धीरे खाते हो, जल्दी जल्दी दिखाओ फटाफट, दिखती जो अपनी जल्दी खत्म करते हो। जल्दी जल्दी खाना, आपको जल्दी दिखाना है। पायल जी आपको एक रेफ्रिजरेटर फ्री मिलेगा अगर आप इसको 2 सेकंड में खा लेते हैं। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए, आप कर सकती हैं, कर सकती हैं, कर सकती हैं। मेरे को नहीं चाहिए। पानी लेके बैठे थे कि रखाओ, बोला था भी मैंने पानी ले लो। कभी याद होती है मेरी बातें। लेके आ दो पानी। हमेशा भूल जाती है, आज भी बोला था मैंने पानी रख लेना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ब्लॉग चैनल ही है। हरकतें तो मेरी ऐसी हो रही है यहाँ बैठ के भी, हरकतें थोड़ी बदल सकती है मेरी। हो गया बस। यार ये क्या बात है, खुद से तूने चाट ली थी यार, ये कोई गलत बात है। इतना नहीं झेल सकती मैं, कोई मेरे आगे चावल खा ले और वो भी चाट चाट के ऐसे। तो गाइज़ आई होप आपको आज का हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगली बार इसकी कोनी अगर मुझे लगी तब मैं इसे कूट दूंगी यहीं मगमैन के शो में, और आपको बहुत मज़ा आएगा गाइज़। हो गया। तो भैया मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। हाँ, और हो सकता है अगली वीडियो राजमा राइस हो। बस कर, कोई नहीं होगी राजमा राइस, होगी। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं मैंने बात कर क्या होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। टाटा बाय बाय। और मेरी तारीफ करना मत भूलना।